हेलो एवरीवन, कहानी श्रृंखला और आज हम लाए हैं स्टोरी सोने का पिंजरा। बच्चों, आपको स्टोरी बहुत पसंद है और हमारा उद्देश्य इस एजुकेशनल चैनल के माध्यम से है कि आप जो हैं इसके क्वेश्चन आंसर और आपके जो क्लास की जो बुक है उसके क्वेश्चन आंसर किस तरीके से सॉल्व करें विदाउट किसी टेंशन के, कोई प्रॉब्लम ना हो। आपका जो भी लेसन है उसको एज ए स्टोरी आप पढ़ेंगे, उसमें कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें, कुछ ना कुछ समझने की ज़रूर होती हैं, लेकिन फिर भी हमने इसको और मनोरंजक बनाने के लिए आपके लिए स्टोरी के साथ ये कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। एक शहर में कपड़े का एक व्यापारी था, बिजनेसमैन था। उसका नाम दीपचंद सेठ था। आसपास के गांव के लोग उसकी दुकान पर कपड़ा खरीदने आते। दीपचंद सेठ कभी कभी अपने ग्राहकों को कपड़ा उधार भी देता था, इसलिए आसपास के गांव में सेठ को उघाई करने जाना पड़ता था। उघाई यानी वसूल करने, जो उसका उधार था उस पैसे को वापस लेने के लिए कि भी जो उधार पैसे हैं वो दे दो। एक बार दीपचंद सेठ एक गांव में उघाई करने गया था। वहां से लौटते समय एक पेड़ के नीचे वह आराम करने बैठा और थोड़ी देर में ही उसे नींद आ गई। जब वह नींद से जागा तो उसने अपने आसपास तोतों को समूह देखा, तोतों को मंडराते हुए देखा, यानी उनका समूह देखा। हरे रंग, लाल चोंच और गले पर काली पट्टी वाले तोतों को देखकर सेठ ने सोचा, कितने सुंदर हैं ये तोते, एक दो तोतों को साथ लेता जाऊं, घर में सभी को बहुत अच्छा लगेगा। यह सोचकर सेठ ने अपना गमछा तोतों के ऊपर यानी झुंड पर फेंका और एक तोता पकड़ लिया। इस तोते को सेठ अपने घर ले गया। दीपचंद सेठ ने घर पहुंचकर तोते के लिए सोने का एक सुंदर पिंजरा बनवाया। उसमें तोते के लिए बैठक और एक झूला रखवाया, पानी पीने के लिए कटोरी और खाने के लिए एक छोटी सी तस्तरी भी रखवाई। तोता सोने के पिंजरे में रहने लगा। उसे अमरूद, मिर्च आदि मनपसंद वस्तुएं खाने को मिलने लगी। घर के बच्चे तथा दीपचंद सेठ तोते से बातें भी करते। तोता थोड़ा थोड़ा बोलना भी सीख गया। सबको बहुत आनंद आने लगा। दूसरी बार जब दीपचंद सेठ उघाई करने निकले तो उन्होंने तोते से पूछा, तोता राम, मैं उघाई करने जा रहा हूँ, लौटते समय मैं तेरे माता पिता और सगे संबंधियों से मिलूंगा, तुझे उनके लिए कोई संदेश भेजना है तो बता। तोते ने कहा, सेठ जी, उन सब से कहना, तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा भी नहीं है, तोता सोने के पिंजरे में आनंद कर रहा है। आपने देखा कि तोते ने सेठ को किस तरीके से अपना मैसेज दिया अपने घर वालों को देने के लिए। दीपचंद सेठ उघाई कर लौटते समय उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुके। तोतों का एक समूह उन पर टूट पड़ा। वे उन्हें चोंच से मारने लगे। उनमें से एक तोते ने दीपचंद सेठ से पूछा, सेठ जी, हमारा तोता क्या कर रहा है? दीपचंद सेठ ने उन्हें शांत करते हुए कहा, तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा भी नहीं है, तोता सोने के पिंजरे में आनंद कर रहा है। यह सुनकर सभी तोते बिना कुछ बोले जमीन पर मुर्दों की तरह लुढ़क गए। दीपचंद सेठ उनके पास गए। उन्होंने तोतों को हिला डुला कर देखा, पर ऐसा लगा जैसे सारे तोते आघात से मर गए हों। दीपचंद सेठ घर पर आए। सेठ को देखते ही तोते ने अपने माता पिता एवं सगे संबंधियों के समाचार पूछे। दीपचंद सेठ ने कहा, तोता राम, तेरे माता पिता और सगे संबंधियों को जब मैंने तेरा संदेश सुनाया तो सभी लुढ़क गए, क्या उन्हें आघात लगा होगा? पिंजरे के तोते ने कोई जवाब नहीं दिया। सेठ की बात सुनकर वह स्वयं भी पिंजरे के झूले से नीचे गिर पड़ा। सेठ जी ने यह देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पिंजरे का दरवाजा खोला और तोते को हिला डुला कर देखा। सेठ जी को लगा कि यह तोता भी आघात से मर गया है। सेठ जी ने तोते को पिंजरे से बाहर निकाल कर थोड़ी दूरी पर रख दिया। मौका देख कर तोता पंख फड़फड़ाता हुआ
उड़ गया। जाते जाते उसने कहा, सेठ जी, मैं आपका आभारी हूँ, मुझे अपने माता पिता का संदेश मिल गया है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। आपका पिंजरा सोने का था, लेकिन वह पिंजरा था, मेरे लिए वह जेल थी। तोता उड़ता हुआ जंगल में अपने माता पिता और सगे संबंधियों के पास पहुंच गया। उसे लौट कर आया हुआ देख सब खुश हो गए। अब मुक्त वातावरण में तोता सबके साथ आनंद से रहने लगा। आपने देखा इस स्टोरी का क्या आपको शीर्षक नजर आ रहा है? दूसरा, पराधीन सपने हूँ सुखनाही। यानी अगर आप किसी के गुलाम हैं, गुलाम या कहो पिंजरे में वो कैद था, तो तोते को तो स्वतंत्र जंगल में रहने की उड़ने की आदत है, उसको सोने का पिंजरा भी जेल लग रहा था। स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसमें हम आपको जो कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं उस पे ध्यान देते हैं। तोते ने संदेश में क्या बताया? आपको इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है इस स्टोरी के अंदर, और किताब गंदी नहीं करनी है। डे फर्स्ट से ही हम आपको बोल रहे हैं, पेंसिल का आप यूज़ करेंगे जहाँ पर आपको आंसर उसका नज़र आ रहा है। तोते ने क्या संदेश दिया था? ये रहा आपका पहला आंसर, जो उसने दो लाइन बोली थी। तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा भी नहीं है, और तोता सोने के पिंजरे में आनंद कर रहा है। ठीक है, ये दोनों लाइन आप यहाँ पर इसकी जैसे स्लोगन है, जिस तरीके से उसने बोला है। तोते ने संदेश में ये जो क्या वर्ड है आपको हटाना है, और इसकी जगह वो दोनों लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, दोबारा जब तोतों को सेठ ने संदेश सुनाया तो तोतों की क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने उसको क्या करा था? सेठ को, उसको उसके ऊपर आक्रमण कर दिया था, उसको चोंचे मार रहे थे इस तरीके से। तो इसका जो आपको आंसर ढूंढना है वो इसी के अंदर है। ये देखें, यहाँ पर उसको क्या मिला था? संदेश। और यहाँ पर किसका मैसेज था? तोते का था। और अब यहाँ पर जब वो दूसरी बार गया, ठीक है, दीपचंद सेठ उघाई कर लौटते समय उसी पेड़ के नीचे आराम करने लगे, तो तोतों का जो एक समूह उन पर टूट पड़ा, वे चोंच मारने लगे। ठीक है, ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। फिर है, सेठ को देखते ही तोतों के झुंड ने क्या किया? दोबारा जब तोतों के सेठ ने संदेश सुनाया, तो तोतों को सेठ ने संदेश सुनाया तो क्या प्रतिक्रिया की थी? तो जब ये तो आ गया आपका तीसरा आंसर, सॉरी, और दूसरा आपका ये है, जब उसने संदेश सुनाया तो सभी तोते बिना कुछ बोले जमीन पर मुर्दों की तरह लुढ़क गए। ये दूसरे का आंसर है, प्रतिक्रिया। तो तोतों की प्रतिक्रिया क्या थी? वो लुढ़क गए थे। ठीक है, और जो संदेश सुनाया था, तो यहाँ पर आपका ये थर्ड क्वेश्चन है, ये वाला टू और ये वन। नेक्स्ट है, कपड़े के व्यापारी का क्या नाम था? दीपचंद। ठीक है, दीपचंद सेठ, सेठ गांव से वापस लौटते समय अपने साथ क्या लेकर आया था? गांव से जब वापस, तोता लेकर आया था। सेठ ने तोतों के झुंड पर क्या फेंका? गमछा, जो उसका टॉवल था। सेठ ने तोते के लिए क्या बनवाया? सोने का पिंजरा। ये तो मुझे इसमें पढ़ते हुए याद हो गए थे, लेकिन आपको पेंसिल से निशान लगाकर अपने क्वेश्चंस इसमें, जैसे मैंने आपको ये तीन क्वेश्चन बताए हैं, सारे क्वेश्चन करने हैं। इससे आपके जो अपना बुक वर्क है वो ओके होगा, और जो अनसीन पैसेज रीडिंग सेक्शन आप लोगों का आता है हिंदी में भी और इंग्लिश के भी, हम आपको साथ साथ स्टोरी दे रहे हैं, वो आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद। जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या जो अभिभावक, वो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे जो अपडेट्स हैं वो आपके पास आते रहें एज ए नोटिफिकेशन। बाय।